रिगार्ड वो मीटर, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है और आज हमें ठीक करना है। ये इसका इसमें सर्किट बना हुआ है और इसमें टू रॉड वाला ये मीटर है। और इसके नीचे एक ये सेफ्टी स्विच होता है, ये जब तक रखा रहेगा, ये दबा रहेगा तो इसकी वजह से हीटर ऑन रहेगा। अगर ये भी खराब हो जाएगा तो अभी हीटर काम नहीं करेगा। और ये इस तरीके से हम इसको नीचे, इस तरीके से इसको हम नीचे जब रखेंगे तो ये दब जाता है, इसकी वजह से ऑन हो जाता है। और ये सबसे पहले हमने पेच यहाँ से पेच निकाले साइड से, ये सारे पेच हमने इसके पेच खोल दिए हैं इसके हमने। और इसके बाद मल्टीमीटर की बीप वाली रेंज, कंटिन्यूटी वाली रेंज इसकी देखते हैं कौन सी रॉड काम कर रही है। ये रॉड खराब है, ये रॉड सही है इसकी, मैं कंटिन्यूटी आ रही है, रेजिस्टेंस की वजह से बीप नहीं आ रही है इसमें। ये ऐसे दबा करके ऊपर की तरफ ये निकल जाता है। और ये निकल गया, अब इसके बाद हम एक रॉड निकालते हैं इसे एक ही करके। ये ऐसे लॉक से लगा के ये पत्ती निकल जाती है, इसके बाद अब ये रोड निकल जाएगी। ये एलिमेंट खराब है इस रोड का, ये अलग टूटा हुआ है, लेकिन इसको हम सही कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से टूटा हुआ है, ठीक है, ठीक। अभी हो गया चालू, एलिमेंट ठीक हो गया। कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं इसकी दोबारा से, ये बीप वाली पोजीशन पे या कंटिन्यूटी वाली पोजीशन पे है, ठीक है। अभी इसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, मतलब पेस्ट थोड़ा टाइट कर लगता है।
अब ये एलिमेंट सही हो गया है, ये रोड सही। इसमें रेजिस्टेंस, ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से इसमें बीप नहीं आ रही है, इसमें कंटिन्यूटी आ रही है। अगर कोई कंटिन्यूटी नहीं होती है तो जिस तरह से ये जीरो हो जाता है उस तरीके से बीप के बाद ये जीरो हो जाता है, जीरो हो गया, ये एलिमेंट अब ठीक हो गया है ये वाला। अभी दूसरी रोड और चेक करते हैं इसकी, दूसरी रोड इसकी ठीक है, खोल के भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमने इसके कनेक्शन निकाल दिए और ये चेक कर लेते हैं। ये भी रोड खराब है, काम नहीं कर रही है, ये भी ठीक करनी पड़ेगी। बोलो, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से मीटर से मालूम नहीं पड़ पा रही है, अंदाजा नहीं लग पा रहा है इसका। तो सेल टेस्टर ये डीसी होता है, इसलिए इसका करंट आसानी से दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये चेक कर लेते हैं इसको, ये रोड हमारी ठीक है, ये इसकी वजह से बता रही है सेल टेस्टर से। ये रोड ठीक है, बस थोड़ा सा पेस्ट टाइट करने की जरूरत है। ये हमने कर दिया इसके पेस्ट टाइट और ये इसके कनेक्शन दोबारा से इसको कस देते हैं। ये इसमें एक खांचा होता है, इसलिए ये एक साइड में ऐसे करके डाल लिया जाएगा। ये आ गया है पूरा, और इसकी पत्ती लगा देते हैं लॉक वाली, के लॉक को रोक के रखेगी ये, ठीक। इसकी वजह से हमारी रॉड बाहर नहीं निकलेगी, इसको रोक के रखेगा यहाँ ये, और इसको ये कर देते हैं इसके पेच। चेक करके देखते हैं इसको, कंट्रोल चेक करते हैं इसकी। इसके लिए हमें खड़ा ये रखना पड़ेगा स्विच दबाने के लिए, ये ऐसे, तभी ये काम करेगा। दबा लेता हूँ, अभी इसका एलिमेंट तो ठीक हो गया, लेकिन अभी इसका रेगुलेटर खराब है, इसको और खोलते हैं। तो खोलने के लिए हमें इसको यहाँ से नीचे से खोलना पड़ेगा, हो सकता है इसका स्विच खराब हो सकता है इसका रेगुलेटर खराब हो, तो वो अभी चेक कर लेते हैं। रोड हमारी सही हो चुकी है, एक रोड खराब निकली थी वो हमने ठीक कर दी है, हालांकि चेंज करना ही ज्यादा बेटर रहता है।
ये हम चेक करते हैं इसको। सबसे पहले स्विच है नीचे वाला, इसके हम ये थिंबल चेक कर लेते हैं इसके काम कर रहे हैं नहीं करते। मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। स्विच सही है, स्विच पर कंटिन्यूटी आ रही है और ये एलईडी टेस्टर से ही काम करेगा। ये मैंने स्विच दबा लिया है अंदर से, ये छोड़ने में बंद हो रहा है, दबने में चल रहा है, ये ठीक है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो केवल इसकी है, इसका ये स्विच है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक पॉइंट पे एक रॉड, एक पॉइंट पे एक रॉड, ये काम कर रहा है, एक पॉइंट इसका नहीं काम कर रहा है, चेक कर लेते हैं इसको। ये हो गया, इसका रेगुलेटर खराब है, इसमें से एक भी पॉइंट नहीं काम कर रहा है इसका। ये हमने इसका रेगुलेटर चेंज कर दिया है और अभी काम कर रहा है, ये इधर वाले पॉइंट पर भी, इधर वाले पॉइंट पर भी, ठीक है। और इसको हम दोबारा से ये हो गया, एक पॉइंट पर एक रोड और एक पॉइंट पर एक रोड, ये हो ये इसका एक पॉइंट यहां बोलेगा, ये आएगा यहां पे जिस स्विच की वजह से। इसकी रोड हमने ठीक कर दी है, इसका रेगुलेटर जो खराब था ये हमने चेंज कर दिया है और अब हम इसको कस देते हैं और बिल्कुल फिट करने के बाद में इसको चेक करते हैं चला करके। ये जो दो पेच हैं ये इसको यहां से दबाव से रोकने के लिए कि ताकि ज्यादा ना कस जाए इधर ज्यादा, और ये दो हैं ये इसको रोकने के लिए हैं। ये इसकी जाली ये ऐसे लगेगी और ऐसे ही निकाली जाती है ऐसे झुका के, इसको हम ऊपर उठा के ऐसे करके लगाएंगे ऐसे ही ये फिट हो जाती है। ये हो गया है तैयार, अब इसको ऑन करके देखते हैं। ये हो गया है तैयार, और ये सिंगल रोड, ये ऑफ, ये एक रोड, दोनों रोड ऑफ। अब आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कोई अगर जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एलएक्स सर्विसेज। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट आइटम
मैं ऐसे ही बताता रहूंगा, आपका दोस्त लक्ष्मण राणा, आपको नए नए सिस्टम्स के बारे में, नए नए घरेलू उपकरणों के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।